हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष के जड़। हाँ तो गाइस, आप लोगों को पता होगा 2022 में एक इपिक ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी जिसने कि इंडियन सिनेमा का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था भाई साहब तोड़ फाड़ के रख दिया था, जिसका जो नाम है भाई साहब कार्तिकेय 2, जो कि निखिल सिद्धार्थ सर की मूवी थी, जहां पर अपने को अपना रिलीजन ट्रेडिशन मतलब कि कल्चर देखने को मिला था। और जो स्क्रीन प्ले था, डायरेक्शन था भाई साहब आउटस्टैंडिंग था। और आप लोगों को पता है काफी जल्दी कार्तिकेय 3 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाला है। गाइस, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिन लोगों ने भी कार्तिकेय पार्ट 1 पार्ट 2 देखी है ना, तो भाई साहब रेडी हो जाइए पार्ट 3 के लिए। अब गाइस, क्या अपडेट निकल कर आ रहा ऑफिशियल, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी बैक टू बैक अपडेट लाते रहते किसके लिए, आप ही के लिए। तो चलिए जान लेते हैं गाइस, कार्तिकेय 2 ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का जो इतिहास रचा था 2022 में, भाई साहब सल्यूट था, क्योंकि मूवी की जो मूवी थी और डायरेक्टर चंदू ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मूवी इस लेवल पे मतलब कि ब्लॉकबस्टर रहेगी। कार्तिकेय 1 जो थी भाई सब एक काफी ब्लॉकबस्टर रही थी, लेकिन 2 जो थी पैन इंडिया लेवल पे इपिक ब्लॉकबस्टर बनी थी। तो गाइस, कल की ही बात है, मूवी की टीम और अपने जो लीड एक्टर यानी कि निखिल सिद्धार्थ ने एक ट्वीट किया जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया लीड एक्टर यानी कि निखिल सिद्धार्थ सर की तरफ से। और वैसे जब आपने कार्तिकेय 2 देखी होगी तो वहां पर काफी सारे कंक्लूजन देखने को मिल गए थे कि अपने को कार्तिकेय 3 भी देखने को मिलेगी। कल की ही बात है, लीड एक्टर निखिल सिद्धार्थ ने अपने ऑफिशियली ट्विटर हैंडल पर काफी इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है, तो काफी मजा आने वाला है, तो आप लोगों को स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। तो उन्होंने कहा है कि डायरेक्टर कार्तिकेय इन सर्च ऑफ ब्रांड न्यू एडवेंचर सून, और उसी के आगे आप स्क्रीन पर देखें, उसी के आगे उन्होंने डायरेक्टर चंदू सर को मेंशन किया है, उसी के साथ साथ कार्तिकेय 3 लिखा है, कार्तिकेय 2 सिनेमाज एंड एडवेंचर। और गाइस, बताया जा रहा है कि इस कार्तिकेय 3 में काफी आउटस्टैंडिंग लेवल का एडवेंचर होने वाला है। फर्स्ट में काफी अच्छा था, लेकिन पार्ट 2 में और बड़ा देखने को मिला, लेकिन अब पार्ट 3 में काफी तगड़े लेवल पे देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर अपने को ट्रेडिशन और अपना कल्चर रिलीजन एक वंडरफुल लेवल पर दिखाई देने वाला है। और गाइस, अगर अपन बात करें कार्तिकेय 3 की स्क्रिप्ट के बारे में, तो भाई साहब अभी करंट में इसका स्क्रिप्ट रेडी किया जा रहा है, काफी सारे एलिमेंट सेट किए जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर काफी तगड़ा एडवेंचर होने वाला है। मूवी की टीम अभी सारा का सारा फोकस भाई साहब स्क्रिप्ट पे है, क्योंकि मूवी के डायरेक्टर चंदू सर ने यह नहीं सोचा था कि कार्तिकेय 2 भाई साहब पैन इंडिया लेवल पे इतना इपिक ब्लॉकबस्टर रहेगा। तो अब आप सोच सकते हैं कि कार्तिकेय 2 इतना ब्लॉकबस्टर रहा था, तो फिर कार्तिकेय 3 किस लेवल पर जाने वाला, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो भाई साहब चीर के रख दिया था। तो गाइस, अपडेट ऐसा निकल कर आ रहा, ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो कार्तिकेय 2 के टाइम ही हो गया था, लेकिन उसी के बाद अपने निखिल सिद्धार्थ ने अपने ऑफिशियली ट्विटर हैंडल पर एक तगड़ा ट्वीट करके ऑलरेडी फिर से बता दिया है। और गाइस, काफी जल्दी इसका ऑफिशियल अनाउंस होने वाला है, जो कि डायरेक्टर चंदू करने वाले हैं, और काफी जल्दी भाई सब ऑन फ्लोर पर जाने वाली है, काफी जल्दी इसका प्री प्रोडक्शन होने वाला है। जैसे स्क्रिप्ट का काम कंप्लीट कर दिया जाएगा, उसी के बाद प्री प्रोडक्शन काम स्टार्ट कर दिया जाएगा और शूट स्टार्ट कर दिया जाएगा। आप गाइस देखना, यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें एडवेंचर किस टाइप का देखने को मिलने वाला है। बाकी अनुपम खेर तो भाई सब एक्टिंग के बाप हैं, वो तो मतलब कि जान लगाकर रख देंगे, और जिस लेवल पे ये ब्लॉकबस्टर होगी ना, तो इंडियन सिनेमा भाई साहब काफी रॉर करने वाला है और काफी लोगों को बुरा लगने वाला है। वैसे गाइज, आप लोग हमें बताएं, निखिल सिद्धार्थ सर के फैन बताएं, कार्तिकेय 2 के फैन बताएं कि कार्तिकेय 3 के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड, और आपके क्या ओपिनियन है इसके स्क्रिप्ट के बारे में, जो कि अभी करंट वर्क चल रहा है, क्या लगता है इसके शूट के बारे में, ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बारे में कि डायरेक्टर चंदू कब तक अनाउंसमेंट कर सकते हैं, अपने ओपिनियन भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपका भाई इंस्पायर्ड और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।